नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी का डिबेट तो चलता ही रहेगा, और इसमें आपका समय खराब ना हो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि आपको अपने सिलेबस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और उसमें मैंने बोला था कि बेटा आपको पहले नई एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहिए जनवरी तक, तब तक आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उस टाइम तक डिसाइड हो जाएगा कि भाई एग्जैक्ट सिलेबस नीट का क्या होने वाला है। जेई मेंस का एग्जाम भी आने वाला है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि जेई का पेपर अगर नई एनसीईआरटी से बना है तो ऑब्वियसली आपका नीट का पेपर भी नई एनसीईआरटी से बनेगा, और भी नीट का नोटिफिकेशन भी आने की प्रोबेबिलिटी तब तक बढ़ जाएगी। फिर बच्चों ने पूछा कि सर सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ज्यादा वेटेज भी है। तो केमिस्ट्री में ना ये बड़ा रोचक हो जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। आपने देखा होगा जो रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस में इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो वेटेज है वो फिजिकल और ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस बार नीट एग्जाम के मद्देनजर, वो होने वाली है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक रिड्यूस सिलेबस क्या है नहीं पता है, आपको डाउनलोड नहीं किया, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए t.me/anandmani001, वहां पे मैंने रिड्यूस सिलेबस कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं वो चीजें ऑलरेडी मार्क करके रख दी हैं, t.me/anandmani001। चलिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब बोलोगे सर इस असेसमेंट पे हम कैसे पहुंचे, तो जैसा हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए ऑलरेडी ये वीडियो बनाया था, तो केमिस्ट्री का बाकी था, केमिस्ट्री का भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक के चैप्टर, देखो हाइड्रोजन हटा दिया, पी ब्लॉक हटा दिया, एस ब्लॉक हटा दिया, क्लास 11th में अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर्स को हटा दिया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हटा दिया था, ठीक है। तो फोकस अगर 11th के चैप्टर्स पे बच जाता है तो कौन कौन से चैप्टर्स पे बच जाता है, एक मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, पीरियोडिक टेबल पे कम क्वेश्चन आते थे बट इनऑर्गेनिक में कहीं क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन पे पहले भी क्वेश्चन आते थे और अब भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स पे क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। 12th के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगेन सारा का सारा वेटेज आपका फिजिकल के नाम पे, एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच जाता है और बाकी सारा का सारा फोकस आपका जो है वो आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो मैंने एसेस करके कुछ इस तरह से आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट पैटर्न बताया। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पूरा करना चाहिए और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में करना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये अप्रोच नहीं ले सकते हो कि पहले क्लास 11th के चैप्टर्स करें या पहले क्लास 12th के चैप्टर्स करें, आपको फेज वाइज जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करो आप, ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ फिर फिजिकल के कुछ चैप्टर्स पे। तो जैसे आपने मोल किया, मोल कॉन्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद आप उसके साथ साथ सॉल्यूशंस कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, ठीक है, और फिर आप आ जाओ इधर आपके इनऑर्गेनिक या आप जनरल केमिस्ट्री में, आप जिसमें भी डालना है उसको डाल सकते हो आप। तो यहां पे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। तो अगर आप इन चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके 130+ मार्क्स केमिस्ट्री में पक्के हो जाएंगे, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का इस बार अच्छा खासा वेटेज होने वाला है, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिजिकल और इसमें आपका ऑर्गेनिक में बटेगा, जो इनऑर्गेनिक का जो बचे हुए टॉपिक्स हैं तो इस पे आपको फोकस करने वाला है। और अगेन एक और चीज मैं बता दूं, इस बार केमिस्ट्री का पेपर सबसे ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि जो रट्टाफिकेशन टॉपिक्स थे मेजरली वो हट गए जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, तो थोड़ा ट्रिकी पेपर आपका केमिस्ट्री का बन सकता है, इसलिए केमिस्ट्री आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अब बोलोगे सर मैं कहाँ से पढ़ूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है बेटा, 2 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग एक वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एंड सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जैसे मंडे 2 अक्टूबर है, ट्यूसडे 3 अक्टूबर है, यहाँ पे हम बायो कर रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कर रहे हैं, उसके बाद आपका वेडनेसडे थर्सडे आपका केमिस्ट्री का टाइम है जहां पे हम जीओसी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 0 लेवल से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है,
तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सिर्फ अक्टूबर अक्टूबर तक में हम कोशिश करेंगे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दो और बेयर मिनिमम आप 50 मार्क्स अपने बूस्ट कर पाए नीट 2024 एग्जाम में। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं, अक्टूबर तक साथ देने वाले हैं मेरा, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए हैशटैग स्प्रिंट रेडी और हम आपके लिए ये अमेजिंग सीरीज लेके आ जाएंगे। मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ बेटा, वन शॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर डिटेल नहीं होगा, इट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ, लेक्चर्स लगाने हैं, उसके PYQs करने हैं और उसके एग्जाम्पलर करने हैं। अगर आपके पास PYQ और एग्जाम्पलर की किताब नहीं है बेटा, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाइए, fundabox.in पे, ठीक है, और वहां से आप PYQ और एग्जाम्पलर की किताब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो लेक्चर तक मिल जाता है, आपको फिजिकल बुक भी मिल जाती है और आप ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट ऑफर फॉर यू। अभी इस पे 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आपके पास PYQ किताब नहीं है तो आज ही PYQ किताब ऑर्डर कर दीजिए ताकि आप क्लास के लिए रेडी रहें। PYQ और एग्जाम्पलर आपको खुद से लगाने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम क्लास में कराएंगे, जिसको आपको जहां पे दिक्कत हो सिर्फ वही वाला पोर्शन देखना है। तो अगर आपने अभी तक PYQ और एग्जाम्पलर की किताब नहीं खरीदी है तो फटाफट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की PYQ और एग्जाम्पलर की किताब आज ही ऑर्डर कर दीजिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।